हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब श्री राधा कृष्ण पृथ्वी पर थे और वे अपनी लीलाएं करते थे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे चैनल पे 142 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ये सब आप लोगों के कारण ही हो पाया है, तो मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी वृंदावन गए होंगे, आपने ये तो देखा ही होगा कि वहाँ पे जान पहचान के लोग और जिससे आपकी जान पहचान ना हो वो भी राधे राधे कहते हैं। यहाँ तक कि ऑटो वालों से लेकर दुकानदारों तक सभी लोग, चाहे वो इन्हें जानते हो या ना जानते हो, एक दूसरे को राधे राधे अवश्य बोलते हैं, वो भी प्रेम भाव से। तो दोस्तों आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि सब राधे राधे ही क्यों बोलते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलता? तो दोस्तों आज मैं आपको इसी प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ इस वीडियो में एक कहानी के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राधा जी अपने तोते को सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करने को कहती थी। राधा जी का तोता ऐसा ही करता था, पूरे दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता था। इन्हें देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा जी की सखियां भी कृष्ण कृष्ण कहने लगी। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम ही नहीं लेता था। पूरा वृंदावन कृष्ण कृष्ण कहने लगा। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा जी से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी नारद जी कृष्ण जी से मिलने आ गए। राधा जी ने उन दोनों को देखा और वह छुपके उनकी बातें सुनने लगी। नारद जी ने कृष्ण को बताया कि पूरे वृंदावन में कृष्ण कृष्ण स्वर गूंज रहा है। कृष्ण बोले, इसीलिए ही तो मैं उदास हूँ, कोई भी राधा राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम से ही प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखों में अश्रु भर आए। महल लौटकर राधा ने अपने तोते से और अपनी सखियों से कहा कि आज से राधा राधा ही कहें और कृष्ण कृष्ण ना कहें। उस समय से राधा का नाम श्री कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है। राधा जी ने यह परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कृष्ण की खुशी के लिए अपने नाम का प्रचार करवा दिया। आज भी वृंदावन में सभी राधे रानी का नाम का गुणगान करते हैं और रासिक महापुरुषों ने तो यह तक कह दिया है कि रा अक्षर सुनते ही श्री कृष्ण विभोर हो जाते हैं, और यदि कोई जीव धे कह दे तो श्री कृष्ण उसी जीव के पीछे भागने लग जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों इसी इंसिडेंट के कारण आज भी वृंदावन में राधे राधे नाम का ही गुणगान किया जाता है और श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम ही लिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा राधे राधे।